Hi there guys, welcome back to my YouTube channel. So thumbnail say you guys know that this video is about this newly launched concealer from Inside Cosmetics. So without wasting any time, let's get into the video and see the full review and swatch and the result of this concealer. मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और इस वीडियो को लाइक करते हो. तो ये इनका नो स्मज कंसीलर है. इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं नायका पर और बाकी सारी ऑनलाइन साइट्स पर. एंड मेरा जो शेड है वो MN18 है. तो ये कंसीलर मैंने नायका से परचेज किया था ड्यूरिंग द रिसेंट पिंक फ्राइडे सेल. एंड ये मुझे 120 रुपीज का मिला था. And this one is the cutest packaging that I have in concealers. It's so tiny and so good. Okay, तो ये मुझे एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव हुआ था जिसमें इसके सारे डिटेल्स थे. तो इस कंसीलर की शेल्फ लाइफ जो है वो है 4 years from the date of manufacturing. So the thing that I like the most about this concealer is its packaging. ये 100 रुपीस के होने के बावजूद इसका पैकेजिंग बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा शीक है. यू कैन सी एंड वन मोर थिंग दैट आई लव इज इट्स एप्लीकेटर. ओके, तो ऐसा एप्लीकेटर मैंने हुदा ब्यूटी के कंसीलर्स में देखा है. The applicator is so good. So, मैं इसका swatch आपको दिखा देती हूँ so that you have an idea about the shade that I have. This is MN18. It's a warm tone concealer. You can see. अगर आप मेरे स्किन टोन के हो दिस शेड वुड बी परफेक्ट. और ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी करता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक शेड लाइट ही लेना. ओके, तो अब मैं इस कंसीलर को अपने फेस पर यूज करूंगी सो दैट यू गाइज कैन सी द रिजल्ट एंड द कवरेज. ओके, तो मेरा मॉइस्चराइजर अप्लाई हो चुका है एंड सेटल भी हो चुका है स्किन में. अब मैं इसको अप्लाई करूंगी जहां जहां मैं कंसीलर यूज करती हूँ वहां. फर्स्ट अराउंड द माउथ. तो इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है सो आई एम एक्सपेक्टिंग फुल कवरेज. स्मेल आ रहा है इससे थोड़ा सा केमिकल वाला. सो लेट मी ब्लेंड इट विद अ ब्रश. ओके, तो मैं इसे इस ब्रश से ब्लेंड करने वाली हूं. You know what? I have to use a bigger brush. तो मैं इसे एक bigger brush की help से blend कर रही हूँ because I guess ये dry हो रहा है. But the shade match is very good. तो guys, मेरा concealer blend हो चुका है and you can see the result and coverage of one layer. मेरे एक्ने मार्क्स थोड़े से विजिबल हैं बट आई गेस इट्स अ गुड कवरेज. ओके, तो मैं सेकेंड लेयर यूज करूंगी फॉर द एक्ने मार्क्स.
ओके, पहले इस साइड का कर लेते हैं बिकॉज ये वाला कंसीलर थोड़ा ड्राई जल्दी हो रहा है बट स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये है कवरेज, दो लेयर वन लेयर, आई गेस बिल्डेबल भी है। सो लेट मी डू दिस एंड माई अंडर आईज ऑफ कैमरा। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइज, दिस इज माई फेस विथ टू लेयर्स ऑफ दिस कंसीलर। इट्स अ प्रिटी कवरेज। अगर आपके पिगमेंटेशन नहीं है सो वन लेयर इज इनफ। ओके, तो मैंने अपना फेस सेट कर लिया है। इट्स अ प्रिटी मैट कंसीलर। समर्स के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन एंड फॉर मॉनसून टू। और ये अच्छे से सेट भी हो गया है। ओके गाइस, तो मैंने अपना पूरा मेकअप कर लिया है एंड दिस इज माय फाइनल लुक विद द कंसीलर। और मैंने कुछ यूज नहीं किया है, ब्लश, कॉम्पैक्ट, मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट्स इट एंड द कंसीलर दिस वन। आई लव द कवरेज एंड द रिजल्ट एंड द मैट इफेक्ट दैट दिस कंसीलर हैव प्रोवाइडेड मी। So it's a quite decent, not decent, but best product at this price with such packaging and available color options. इनमें आपको करेक्टर भी मिलेगा इस रेंज में, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, बट माई शेड इज MN18 एंड इट्स अ क्वाइट डिसेंट मैच। ओवरऑल आई लव द कंसीलर। मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD कंसीलर बहुत पसंद है एंड देन आई डिसाइडेड टू परचेज दिस एंड माई डिसीजन वॉज नेवर रॉन्ग। आई लव इट। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल कंसीलर ढूंढ रहे हो जिसमें अच्छी कवरेज, अच्छी शेड रेंज हो, देन प्लीज कंसिडर दिस वन। इट्स सो अमेजिंग। आई लव द पैकेजिंग, लव द शेड मैच एंड द क्वान्टिटी इज, इसका क्वान्टिटी आई गेस 15 ml है ये। तो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट इनसाइड कॉस्मेटिक्स नो स्मज कंसीलर। कैसा लगा आपको मेरा ये मिनी रिव्यू अबाउट दिस क्यूट लिटिल कंसीलर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स? मेक श्योर आप मुझे कॉमेंट में बताते हो और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।